कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री धावानी। मेरा उल्लास यानी मेरा आपका हम सबका शहर उल्लासनगर। आइए देखते हैं क्या है इसकी गतिविधियां और क्या है इसके घटनाक्रम मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। श्री दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के पर्व पर साईं पाटी गंगाजल फ्रंट की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। आइए देखते हैं किस तरह मनाया गया दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का पर्व। उल्लासनगर शहर में माता मंदिरों में श्री रामनवमी और अष्टमी का महापर्व प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सभी धार्मिक स्थलों पर सबसे पहले पूजा पाठ और हवन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसके बाद कन्या भोज और ब्राह्मण भोज कराया गया और तत्पश्चात भंडारे का आयोजन भी किया गया। कई जगहों पर माता की जोत और माता की चौकी का भी आयोजन किया गया था। साई पार्टी गंगाजल फ्रंट की टीम, जिसमें साई पार्टी के अध्यक्ष और उपमहापौर जीवन इदनानी, साई पार्टी नेता सुनील गंगवानी और उनकी टीम ने विभिन्न स्थलों पर जाकर माता की पूजा अर्चना की, दर्शनों का लाभ लिया और प्रसाद भंडारे का भी हिस्सा बने। आइए देखते हैं उल्लासनगर शहर के वे विभिन्न स्थान जहां पर साईं पार्टी की टीम ने पहुंचकर माता का आशीर्वाद दिया। माता माई राजायण मंदिर उल्लासनगर 5, आज़ाद नगर में माता की चौकी और उसके अलावा नगर सेवक किशोर वनवारी के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और विभिन्न स्थलों पर प्रसाद वितरण में भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। Thank you.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। मंदिरों में माता की पूजा अर्चना हवन और कन्या भोज के बाद कई जगहों पर प्रसाद वितरण भी किया गया। अज नवरात्रन के दिन से हर साल अस ग्रुप के तरफा जो खास योगदान रहन प्रकाश शाहूजा जो मुझे पास में मिटा काफ़ी योगदान रहन इन सहकार से हर साल में ये प्रसाद का कार्यक्रम क्या इन काफ़ी साल थी ये साल में अस बदा प्रसाद क्या पब्लिक की के काफ़ी सुठो असो अजमूदो मिल काफ़ी मूँ इंदा काफ़ी मूँ प्रसाद वरता ही ये जैसे न कहना तो मूँ पुछंदा भाई कदें कौ ये असो साल प्रसाद का कार्यक्रम चालू आने वे में योगदान असूजा जो आया जी भी असा सब साथी भी इन वक्त से बीहंदा प्रसाद बाटींदा जय माता दी। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर में लोगों को हिप्नोटाइज कर लूटपाट करने वालों का एक ग्रुप सक्रिय हो गया है। हाल ही में जिसका शिकार बनी रजनी मूलानी नामक महिला। मेरा नाम रजनी मोहनदास मूलानी है। हमारे चार नंबर में नेताजी स्कूल के बाहर हम ऑटो में उतरे तो वहाँ दो लड़के आए और मेरे को देना बैंक के अंदर लेके गए और दो चूड़ियाँ मेरे हाथ से ही बोला भाई ये उतार के दो पर्स में डालो। मालूम नहीं मेरे को क्या किया, मेरे को पता ही नहीं चला। और मेरा 1500 भी पड़ा था पर्स में, वो भी लेके गया, चूड़ियाँ भी लेके गया। 15 मिनट के बाद मेरे को होश आया, बोला भाई कहाँ गई मेरी थैली, कहाँ गई, देखा तो कुछ पर्स वर्स था ही नहीं। हेडलाइन पुलिस चौकी में 5 नंबर 22-25 दो लड़के थे। हम ऑटो से उतरे तो एक भाई था, उसने एक लड़के को दिया भाई इसके साथ जाओ। फिर दूसरा लड़का आया, वो भाई गुम हो गया। वो दोनों लड़के ने मेरे से ये सब उतार के चला लग गया। कितनी कीमत के चूड़ियां? 125 तोलों का था और 1500 पर्स में था। तो टोटल कितने का माल गया आपका? 80,000 लगभग 80,000 का ये सामान। हाँ, क्या लगता है आपको के? पुलिस में आपने दाखिल करा? हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सब कोशिश करो। हमारे साथ हुआ है, सबके साथ भी होगा तो मुल्क का क्या होगा। कोशिश करेंगे तो ही सफल होगा ना। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। श्री साईं बाबा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रामनवमी के अवसर पर पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। ओम साई राम। साई बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट और ओम साई प्रतिष्ठान की तरफ से साई बाबा की यात्रा, पालकी यात्रा जो पूरे शहर भर से अलग अलग जगहों से निकाल कर
फिर इस मंदिर में लाई जाती है और बड़े धूम और हर्षोल्लास से ये समारोह किया जाता है। ओम साई राम, ओम साई प्रतिष्ठान ग्रुप के द्वारा उल्लासनगर शहर एक बस स्टॉप स्थित साईं बाबा मंदिर, जो कि काफ़ी यहाँ जो है माना जाना मंदिर है, यहाँ पर सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी यहाँ इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते आते हैं, अपनी जो भी मनोअभिलाषा लेकर आते हैं, यहाँ दर्शन करने से सभी की जो मनोकामना है पूर्ण होती है। अब इस रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर साईं बाबा की भव्य पालकी सभी पूरे प्रतिष्ठान ग्रुप के द्वारा यहाँ से निकाली जाती है और सभी शहर की पालकियाँ यहाँ से गुजर कर दर्शन करके यहाँ से जाती हैं। और दूसरे दिन साईं का महाभंडारा किया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को निमंत्रण करके यहाँ पर प्रसाद का लाभ उठाने के लिए कहा जाता है और सभी लोग यहाँ आकर हमारे बाबा का दर्शन लेकर आशीर्वाद लेकर ये भंडारे की सेवा करते हैं। मैं हरेश पुरस्वानी और सभी साईं प्रतिष्ठान के ग्रुप के द्वारा यहाँ सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साईं की सेवा करके। ओम साईं राम। हर वर्ष की तरह आज यहाँ पर साईं पालकी निकली और बड़े धूमधाम से निकाला गया। लोगों ने बड़ा बड़ा हर्षोल्लास था। हर साल यहाँ पर पालकी निकालते हैं, अगले दिन भंडारे का आयोजन होता है और हम लोग, मैं कृष्णा सिंह साईं पार्टी युवा महासचिव साईं पार्टी का की तरफ से यहाँ पे हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत बहुत धन्यवाद इस पालकी को। साईं पार्टी हमारी साईं से बहुत लगाव है। साईं जी इस पार्टी के, हमारे साईं पार्टी के प्रेरणा स्रोत थे और साईं जी की पालकी हम आज यहाँ पे आए हुए हैं, उसके लिए मैं इस मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साईं पार्टी की तरफ से, जीवन भाई इंदानी की तरफ से, उप महापौर आप उल्लासनगर, धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 4 में राधे कृष्णा द ग्रैंड बैंक्वेट हॉल बनाया गया है, जिसके उद्घाटन के उपलक्ष में माता की जोत का आयोजन किया गया। साईं पार्टी की टीम ने बैंक्वेट के मालिक को बधाइयां दी, माता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माता दी। राधे कृष्णा द ग्रैंड बैंक्वेट की आज ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है, जिसमें हमने जिनके जो ओनर हैं वो श्री जय धामेजानी एंड हमारे बंडी गंगवानी जी हैं। आज इस पावन अवसर पे, नवरात्रि के अवसर पे हमने माता की जोत का आयोजन किया है, जिसमें हमने श्री रमेश ओबरा जी को यहाँ पर
बुलाया है। ये राधे कृष्णा द ग्रैंड बैंक्वेट हमने शहरवासियों के लिए बनाया है, एक ऐसा ग्रैंड बैंक्वेट बनाया है जो हम यहाँ पर सिर्फ सोच रहे थे कि हमारे शहर में ऐसा कोई एक बैंक्वेट हो जहाँ पर हम अपने ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज करें। तो इस सपने को साकार किया है हमारे जय भाई ने और बंटी भाई ने। आप सभी शहरवासियों से मेरी अपील है, एक बार आप यहाँ इस हॉल में बैंक्वेट में एक विजिट कीजिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको दूसरा कोई बैंक्वेट अच्छा लगेगा, क्योंकि हर एक चीज़ हमने यहाँ पर ग्रैंड क्रिएशन की है। आप देख सकते हैं लाइट्स, वुडन, हर एक चीज़, एंट्री, लिफ्ट, मतलब एक ग्रैंड हमने एक रिनोवेशन की है। सभी उल्लासनगर के वासियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप आएँ और एक बार विजिट करें। बहुत ही स्पेशियस जो है हमने ग्रैंड बैंक्वेट बनाया है, जैसे ग्रैंड नाम है वैसे ही ग्रैंड हमने फैसिलिटीज़ अवेलेबल की है। प्लीज़ कम एंड हैव अ लुक हॉल राधे कृष्णा द ग्रैंड बैंक्वेट। थैंक यू। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर में रहने वाले नारायण वाधवा नामक व्यापारी का बेटा दादर से लापता हो गया है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मेरा नाम नारायण वाधवा है, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। मैं प्रियंका गली में रहता हूँ, वहाँ पर रेणुका नाम गारमेंट का दुकान है। मेरा लड़का 20 तारीख को मंगलवार के दिन दादर गया है ग्राहक के पास। उसके बाद में मेरा उससे 255 पर बात हुआ, वहाँ के बाद में मेरा उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है, उसके बाद में उसका कोई पता नहीं हुआ है। और मैंने पुलिस कमिश्नर और रेलवे क्षेत्र पुलिस चौकी में कंप्लेंट किए, अभी तक मुझे कोई वहाँ से संदेशा नहीं मिला है उसका कोई। लड़के का पूरा नाम बताइए, मनोज, तारीख पे कितने बजे गया था? घर से 2:05 में निकला है, मनोज नाम है, मनोज नारायण दास वाधवा, उम्र 30 बरस है, और दादर उपेंद्रनगर फूल गली में गया है। वहाँ से उसका फुटेज दिखाया है, 4:28 पर दिखाया हमने, उसके बाद में उसका कोई फुटेज नहीं दिखा है। और आज भी हम दादर पुलिस चौकी में शैतान चौकी में हो क्या है, वहाँ का पवार साहब है, वो हमें कोऑपरेट कर रहा है और बहुत देख रहा है वहाँ का पुलिस, लेकिन कोई उसका सुराग नहीं मिला। पुलिस चौकी के अलावा हम सब हॉस्पिटल में देख के आए, जे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, शाइन हॉस्पिटल, वहाँ पर देख के आए, कोई सुराग नहीं मिला है। आप कृपया करके मैं उसका कोई सुराग निकाल के दीजिए, जैसे हमारा लड़का जल्दी घर आ जाए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधु यूथ सर्कल की तरफ से चेटीचंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। Yeah.
आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेडेक की, यानी सिर दर्द की। किसी को पूरे सिर का दर्द होता है तो किसी को आधा शीश यानी माइग्रेन हो जाता है। लोग बेहद परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतना तेज दर्द होता है कि सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग खाते हैं पेन किलर। पेन किलर कितना नुकसानदायक है वो हम आपको बताएंगे, और आज बताएंगे अचूक उपाय कि किस तरह आप सिर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आखिर सिर दर्द के कारण क्या हैं? अत्यधिक तनाव, चिंता, गुस्सा, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठना, तेज धूप में घूमना इत्यादि, बहुत सारे कारण होते हैं सिर दर्द के। लेकिन लोग सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लेते हैं पेन किलर मेडिकल स्टोर से या तो डॉक्टरों के पास से, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा है। पेन किलर से किडनी में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखें कि आपको जब भी सिर दर्द होता है तो आप एलोपैथी की दवाई न लेकर आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी की दवाई लें। यानी ऐसे नुस्खे, ऐसे होम रेमेडीज हम आपको बताएंगे जिसमें आपका चुटकियों में सिर दर्द गायब हो जाएगा। देसी घी और कपूर को समान मात्रा में ले लें, उसका पेस्ट बना दें और अपने सिर पर रगड़ें। इसमें सिर दर्द से तुरंत राहत मिलती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगेगा आपको कि प्याज यानी ओनियन, कांदे से भी इलाज होता है सिर दर्द का। प्याज को दो टुकड़ों में बांटना है, एक बार जोर से सांस छोड़ देनी है और सूंघना है प्याज को। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपका सिर दर्द गायब हो गया। सिर दर्द को छूमंतर करने का सबसे कारगर उपाय है दालचीनी। जी हाँ, एक कटोरे में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए और हल्का सा पानी डाल दें, दोनों का पेस्ट बना दें और अपने माथे पर लगा दें। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपको सिर दर्द हुआ ही नहीं था। उसी तरीके से लौंग को पीसकर भी उसमें पानी मिला दें और अपने सिर पर रगड़ दें। आपको तेज सिर दर्द हो रहा है तो आप नींबू शरबत या नींबू का रस भी पी सकते हैं। और हाँ, काकड़ी यानी कुकम्बर, जिसे हम खीरा कहते हैं, उसको भी हम अगर अपने सिर पर लगाए रखेंगे, 15-20 मिनट बाद अपना सिर धो लेंगे तो उसमें भी सिर दर्द से राहत मिलती है। दालचीनी और लौंग के अलावा अदरक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है सिर दर्द को भगाने में। आप अदरक को पीस लीजिए, उसमें हल्का सा पानी मिला लीजिए, अपने सिर पर लगा लीजिए, आपका सिर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। और जिन्हें आधे शीश का दर्द है, जिनको माइग्रेन होता है, उनके लिए एक और अचूक उपाय है, वो है कच्चा अमरूद। आप कच्चे अमरूद को पीसकर रख दें, सुबह उठकर उसको अपने सिर पर लगाएं, लेकिन यह सब आपको सूर्य उदय होने से पहले करना है। कच्चे अमरूद को पीसकर रख दें, सुबह अपने सिर पर लगाएं और आधे घंटे बाद सिर को धो लें, आपका सर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये एक ऐसे उपाय हैं जिससे आपका सिर दर्द न सिर्फ ठीक होगा और आगे भी आपको इसकी परेशानी नहीं होगी। तो ये हैं हमारी हेल्थ टिप्स। हेल्दी लाइफ सॉल्यूशन में आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्दी लाइफ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे मेरा उल्लास के नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास।
मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।